जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे आज बीएड करने के 5 ऐसे फायदे जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो साथियों, यदि आपने भी बीएड किया है या आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं कि यदि आपने बीएड किया है या आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो बीएड करने के क्या फायदे हैं, बीएड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, बीएड करने के आज कुछ ऐसे फायदे मैं आपको बताने वाला हूं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहला आता है आपका, यदि आपने बीएड किया है तो बीएड के बाद में जॉब सिक्योरिटी कितनी है, कितने चांसेस हमें जॉब मिलने के। तो साथियों, यदि हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो भारतवर्ष में यदि जॉब देने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट की हम बात करें तो रेलवे कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत है। यदि जॉब देने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वो है आपका एजुकेशन। आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यदि दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो जॉब देने वाला सेक्टर है वो है आपका एजुकेशन। यदि हम उसमें भी सबसे जो अहम रोल प्ले करता है वो करता है आपका प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक, यानी कि सबसे ज्यादा जो जॉब वैकेंसीज होती हैं वो होती हैं आपका प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक। तो जॉब सिक्योरिटी आपकी बहुत ज्यादा है यदि आप बीएड करते हैं तो। यदि आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है, वेल एंड गुड। यदि आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, आपको महारत हासिल है तो गवर्नमेंट में आपका नंबर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारण से आपका गवर्नमेंट में भी नहीं हो पाता है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं आपके जो प्राइवेट के स्कूल्स होते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हो गए, तो वहां पर भी आज की डेट में बहुत अच्छी सैलरी है, तो वहां पर भी आप टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आपका है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है यदि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से महारत आपको हासिल है और अपने सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं और बीएड करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी आपको जॉब 100% मिल ही जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी, आपका दूसरा एडवांटेज। तो साथियों, दूसरा एडवांटेज है आपका जो रेस्पेक्ट, यानी कि यदि हम बात करें रेस्पेक्ट की, यदि चार लोग खड़े हैं, एक अधिकारी है, एक आपका डॉक्टर है, एक आपका इंजीनियर है, एक आपके जो टीचर हैं, तो उसमें यदि हम सबसे रेस्पेक्टेड व्यक्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं वो हैं आपके अध्यापक, क्योंकि बाकी लोगों को उन्हीं टीचर ने बनाया है, अध्यापक ने बनाया है। तो कहीं पर भी यदि मान सम्मान की बात करें तो सबसे पहला आता है टीचर का मान सम्मान। तीसरे एडवांटेज की हम बात करें साथियों, सैलरी। तो सैलरी की यदि हम बात करें, यदि आपके अंदर टैलेंट है तो और आप गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी सैलरी है आपके टीचिंग को लेकर। यदि आप गवर्नमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप जाते हैं तो प्राइवेट के यदि किसी अच्छे स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हो जाती है तो वहां पर भी सैलरी बहुत अच्छी है, यानी कि सैलरी यानी कि पैसे की कमी नहीं है। तो साथियों, इसमें पैसे की भी कमी नहीं है, पैसा बहुत है, यानी कि टीचिंग लाइन में यदि आप जाते हैं तो आप अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। और टीचर को पैसे से इतना ज्यादा मैटर नहीं रहता, टीचर को रहता अपने मान सम्मान से। यदि उनका कोई बच्चा पढ़ाया हुआ अधिकारी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो उनके लिए वही सबसे बड़ी फक्र की बात है। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, जो फोर्थ पॉइंट है वो है सबसे कम होता है जॉब टाइमिंग, यानी कि कोई ऐसी जॉब नहीं है जो इससे कम समय हो जॉब का। यानी कि आप यदि हम मैक्सिमम बात करें तो छुट्टी का जो समय होता है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 से 3 बजे तक का समय होता है छुट्टी का, गवर्नमेंट स्कूल में। और प्राइवेट में बात करें तो लगभग इतना ही समय होता है। तो यदि हम जॉब टाइमिंग की बात करें तो सबसे कम समय होता है टीचिंग की जॉब में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि यदि आप दोपहर के बाद कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ट्यूशन देना है, कुछ भी आपको अपना प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है टीचर के लिए, तो वहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे कम होता है आपका समय जॉब टाइमिंग। और अगर यदि हम इसी में बात करें तो यदि छुट्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो छुट्टी होती है यदि किसी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा छुट्टी मिलती है तो वो मिलती है आपका टीचिंग में, यानी कि टीचर की जॉब में सबसे ज्यादा आपकी छुट्टी रहती है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट में क्या, प्राइवेट सेक्टर में भी, यदि प्राइवेट सेक्टर की भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो छुट्टी है वो आपका एजुकेशन में ही है, टीचिंग लाइन में ही है। तो साथियों, बात करें फिफ्थ पॉइंट, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो साथियों फिफ्थ पॉइंट है आपका, यदि आप एक टीचर हैं तो आप एक लर्नर की तरह रहते हैं, यानी कि रोज आपको एक नई चीज सीखने को मिलती है। और यदि हम एक चीज और बात करें इसी में, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, यानी कि टेंशन बिल्कुल फ्री रहते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, ऐसा नहीं आपका टारगेट आपको पूरा करना है, ये सब सारी चीजें पूरी करनी है, तो इसमें ज्यादा प्रेशर भी आपका नहीं
नहीं रहता है और आप एक, मैंने जैसे आपको बताया, एक लर्नर की तरह रहते हैं, रोज आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ज्ञान के रूप में भी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर नॉलेजेबल होता है तो होता है गुरु, हमारा टीचर। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।